जयंत, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट एंड हेलो गाइड्स। द केमिस्ट क्लासेस की वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। हमने लेटेस्ट वीडियो में आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को शुरू किया था। नेक्स्ट क्या है, इसमें डिस्कस द नेमिंग आईपीसी नेमिंग ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक। तो फर्स्ट हमने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया था। एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन बेंजीन डेरिवेटिव। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डिफरेंट टाइप, हिटोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स विच हैव ओबेट हकल्स रूल, विच ओबेट हकल्स रूल्स। ऐसे ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड जो हकल्स रूल्स को फॉलो करते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड के सीरीज में आते हैं। इसमें क्या है, सिंगल न्यूक्लियस एरोमेटिक कंपाउंड एंड पॉली न्यूक्लियस एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज बेंजीन, ये बेंजीन, बेंजीन मीन्स सिक्स सिग्मा बॉन्ड, थ्री पाई बॉन्ड और एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इस कार्बन आइटम, जो कार्बन आइटम है वो एसपी टू हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है, स्टेट में होता है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सी सिक्स एस सिक्स, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सी सिक्स एस सिक्स। फर्स्ट क्या है कि व्हाट व्हाई नेमिंग ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड बेस्ड ऑन द बेंजीन डेरिवेटिव एंड एरोमेटिसिटी रूल, हकल रूल्स, हकल रूल्स पर, एरोमेटिसिटी रूल पर इनका नेमिंग प्रोसेस एरोमेटिक नेचर डिपेंड करता है। तो इस डिपेंड में एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहले हमें एल्काइल ग्रुप ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड का एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है। तो फर्स्ट हम मोनोसब्स्टिट, मोनोसब्स्टिट, मोनोसब्स्टिट ग्रुप कैसे बनेगा, मोनोसब्स्टिट ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड्स में। बेंजीन है, सिक्स कार्बन है, सिक्स हाइड्रोजन, हम वन हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, सी सिक्स एच फाइव, सी सिक्स एच सिक्स, वन हाइड्रोजन रिमूव है, सी सिक्स एच फाइव, ये वैलेंसी वैकेंट हुई, सिक्स कार्बन की वन वैलेंसी वैकेंट हुई। अब इस वन वैलेंसी को हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, मोनोसब्स्टिट ये हो गया, इधर हो गया, किसी भी कार्बन से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट ओनली फॉर वन आइसोमर्स, ओनली फॉर वन वन आइसोमर्स। इसमें क्या होगा, एक ही आइसोमर्स पॉसिबल। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, पी एच ए आर एंड फाइव, इट मीन्स फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप और एराइल, इसको फिनाइल ग्रुप कह सकते हैं, एराइल ग्रुप कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट किसका है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेंजीन का वन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किसी भी कार्बन से कर सकते हैं। तो हमारे पास सी सिक्स एच फाइव, ये जो ग्रुप होगा, इसी ग्रुप्स को हम नेम देते हैं फिनाइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, रिप्रेजेंट करते हैं पी एच ए आर और इस, ये वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम वैकेंट होती है, इससे यहाँ इसकी वैलेंसी वैकेंट होती है। अब नेक्स्ट क्या है, डाई सब्स्टिट्यूट, डाई सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होगा, डाई सब्स्टिट्यूट ग्रुप टू हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, डाई सब्स्टिट्यूट ग्रुप में हम टू हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। अब उसमें थ्री आइसोमर्स इज पॉसिबल, ये वन टू, वन थ्री, अपोजिट अपोजिट, ठीक। इससे से अब सेम कंडीशन क्या है, इसको भी बिधर रहेंगे, सेम कंडीशन,
इन दोनों स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर क्या सेम है, इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, तो पोजिशन को भी 1, 2, 1, 3, 1, 4 इट इज ऑर्थो मेटा एंड पैरा ओ एन पी ऑर्थो मेटा पैरा इट इज थ्री आइसोमर्स इज पॉसिबल डाई सब्सटेंट और बेंजीन पॉसिबल थ्री आइसोमर्स डाई सब्सटेंट में हम टू हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसमें से केवल तीन थ्री आइसोमर्स ही पॉसिबल है ऑर्थो मेटा और पैरा. नेक्स्ट है ट्राई सब्सटेंट टाई सब्सटेंट मीन्स थ्री हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिसेस 1, 2, 3 कंटिन्यू एडजस्टिंग पोजिशन के कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 5 मोनो सब्सटेंट और फेरोमेटिक कंपाउंड ओनली वन पॉसिबल होता है डाई सब्सटेंट थ्री पॉसिबिलिटी होती है थ्री आइसोमर्स बनते हैं ट्राई सब्सटेंट में भी थ्री बनते हैं 1, 2, 3 पॉसिबल आइसोमर स्ट्रक्चर्स होती है. नेक्स्ट साइड चेन मीन्स बेंजीन हैव सब्सटेंट CH3 इट इज मिथाइल बेंजीन एंड टोलुइन. अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर है मिथाइल बेंजीन अब उसमें थ्री हाइड्रोजन लगे अब कोई वैलेंसी वैकेंट नहीं लेकिन सपोज करो अब इसमें से वन हाइड्रोजन रिमूव कर दिया ये वैलेंस वैकेंट हो गई इट इज फॉलोइंग बेंजाइल ग्रुप इसको हम बेंजाइल ग्रुप कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं बेंजाइल. अब सपोज करो हमने टू हाइड्रोजन रिमूव कर दिया बेंजल ग्रुप होगा या बेंज ग्रुप होगा. अब इसमें थ्री कर दिया थ्री वैलेंसी वैकेंट इट इज नोन एज बेंजो इसको बेंजो ग्रुप कहते हैं. तो एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस में हम डिफरेंट एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बना सकते हैं. अब नेमिंग जो प्रोसेस होगा एरोमेटिसिटी रूल फ्लो होता है जिसमें हकल्स रूल आता है 2n + 4π इलेक्ट्रॉन्स का रूल्स फ्लो होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं हकल्स रूल्स कहते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड में ये पॉसिबिलिटी होती है. अब नेक्स्ट है राइट द IUPAC नेम हाउ कैन राइट द IUPAC नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. हम IUPAC नेम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं. तो फर्स्ट क्या है मोनो सब्सटेंट ग्रुप प्रेजेंट है इस ये मोनो सब्सटेंट तो बेस फर्स्ट नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप जो भी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा फंक्शन ग्रुप एंड एडिशन नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप एज ए प्रीफिक्स एंड सुफिक्स मैनी फंक्शन ग्रुप आर यूज द सुफिक्स बट एज ए फर्स्ट एग्जाम्पल हेलोजन एराइल हेलाइट तो फर्स्ट है फ्लोरिन तो नेम ऑफ फ्लोरो बेंजीन क्लोरो बेंजीन
ब्रोमो बेंजीन, आयडो बेंजीन। तो नेम ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव हो गया, नेम ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। तो फर्स्ट प्री फिक्स ऑफ द हेलोजन कॉमन फार्मूला क्या होगा, एक्स। तो हेलो हेलो बेंज, हेलो मीन्स क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयडोबेंजीन, ऐसे डिफरेंट नेम्स। तो हेलो एरोमेटिक हैलाइड्स कंपाउंड, इट इज हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयडोबेंजीन, इससे से डिफरेंट नोमिकल्स का। नेक्स्ट है एजी सी एस थ्री, साइड चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। तो फर्स्ट मिथाइल बेंजीन, होमोनिम टोलुइन, टोलुइन मिथाइल बेंज। नेक्स्ट सी टू एच फाइव, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, व्हेन ओएच ग्रुप प्रेजेंट एरोमेटिक एल्कोहल इट्स नोन एज फिनोल, एरोमेटिक एल्कोहल इट्स नोन एज फिनोल, इसको हम फिनोल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या है एनओ टू, तो प्रीफिक्स ऑफ नाइट्रो, नाइट्रो बेंज, प्रीफिक्स ऑफ नाइट्रो बेंज। ऐसे डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक नोमेनक्लेचर, आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वी कैन नेक्स्ट वीडियो वी कैन डिस्कस द डिफरेंट एग्जांपल्स, मोनो सब्सट्रेट, डाई सब्सट्रेट, ट्राई सब्सट्रेट इन फ्यूज्ड रिंग एंड नॉट फ्यूज्ड रिंग और हेटरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। गुड बाय।